नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हाल में ही पारित हुए बजट के बारे में कहा कि भारत सरकार का बजट ऐतिहासिक अभूतपूर्व बजट है। इस बजट से नए भारत के निर्माण को मजबूती मिलेगी। बजट में सभी वर्ग के क्षेत्रों के समग्र विकास और संतुलित विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में भारत दुनिया का श्रेष्ठ देश बने, इसकी नींव रखने के लिए बजट बना है। भारत अभी भी कोरोना की तीसरी लहर के बीच में है, इससे प्रभावित होने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है, लेकिन लक्षण मामूली है। देश में टीकाकरण की गति तेज है और लगभग 80% लोगों को पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, और इसी वजह से अत्यधिक खराब अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि ऋणात्मक अर्थव्यवस्था से ऊपर उठ चुके हैं। इस वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। आइए सुनाते हैं, लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में क्या जानकारी दी है। इस बजट की तो सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इतने बड़े आर्थिक संकट के बावजूद एक भी पैसे का नया टैक्स कोई अधिरोपित नहीं किया गया है, और अब तक का ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पैसे वाला 39,86,000 करोड़ रुपए का बजट है, और इसमें 7.5 लाख करोड़ रुपए आधारभूत संरचना के लिए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो अभी तक आज तक के बजटों में सर्वाधिक अधिक है। इसके साथ ही बजट में प्रमुख रूप से 4 बिंदुओं को ध्यान में रख करके 2025 साल जब हम 100वीं सालगिरह अपनी स्वतंत्रता की मनाएंगे उस समय तक का रोड मैप तैयार किया गया है, और इसमें अभी तक पीएम गति शक्ति के नाम पर प्रमुख 7 विभागों को, ये चाहे सड़क है, रेलवे है, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक जीवन, लॉजिस्टिक अवसंरचना, इन सबको मिला करके इकट्ठा एक समेकित योजना बनाने का कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। उसमें इसके साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल करके और उनके मेल जोल से कार्य को आगे बढ़ाने का योजना है, जो अपन देखते हैं कि कभी एक रेल वाला शुरू कर दिया तो सड़क वाला शुरू कर दिया, तो स्टेट वाला इधर कर दिया तो सेंट्रल वाले ने इधर कर लिया, वो सब अब चीज़ें एक पाइपलाइन से होकर के गुजरेंगी। खेती के मामले में नई तकनीक से हम उसको जोड़ने जा रहे हैं, तिलहन में देश आत्मनिर्भर बने, और ड्रोन के माध्यम से कृषकों का फसलों का आकलन, भू दस्तावेजी, डिजिटलाइजेशन, कीटनाशकों का छिड़काव, पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन, ये और राज्य सरकारों को ये साथ ये एक समन्वय स्थापित किया जा रहा है कि वो अपने कृषि विश्वविद्यालयों में ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक बजट, जीरो बजट और कृषि उद्यमों के लिए स्टार्टअप और FPO की कैसे सहायता की जा सकती है, ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो आप हम सब सुनते रहे हैं कि नदी जोड़ो अभियान, तो सबसे इस बार केन भेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई है 48,000, जिसकी लागत 44,605 करोड़ रुपए है, और उसके लिए 21-22 में 4,300 करोड़ रुपए, 22-23 में 1,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी तरह से 5 अन्य जो योजनाएं, उसका उल्लेख हमने उसमें नहीं किया, लेकिन 5 अन्य योजनाएं भी हैं जिनको भी आगे चल करके उनका DPR तैयार हो गया है, और उन नदियों को भी जो इनमें 5 रिवर लिंक्स हैं, दमनगंगा, पिंजाल, पारताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा पोनार, पोनार कावेरी, इनका DPR तैयार हो गया है। फलों और सब्जियों के मामले में हम 4-6 दिन में सब्जी रख पाते हैं, फल 10-15 दिन रख पाते हैं, इन सब के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट्स और इनके भंडारण खाद्य प्रसंस्करण का को बढ़ावा मिले इसके लिए, और वानिकी को बढ़ावा देने का भी प्रावधान एक विजन इसमें है। MSME जो सर्वाधिक के रोजगार देने वाला एक सेक्टर है, उसमें अभी तक जो 50 करोड़ रुपए तक का इसमें गारंटी का दायरा था, उसको 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी तरह से लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए भी 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण स्थापित किया गया है।
ये जो हॉस्पिटलिटी के जो सेक्टर थे, पर्यटन था, होटल हैं और भी, इनके लिए एक अलग से अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमने देखा कि दो साल कोरोना की वजह से हमारे बच्चे तमाम वंचित हो गए शिक्षा से, तो इसलिए टीवी चैनलों दो से टीवी चैनलों के माध्यम से शिक्षा दिए जाने की योजना है। और विदेशी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में कुछ टॉप के शहरों में हिंदुस्तान में उनके पाठ्यक्रम को डिजिटल पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे विश्व स्तरीय जो हमारी शिक्षा है उसको हमारे छात्र भी इसमें शामिल हो सकें। डिजिटल हेल्थ केयर के लिए कोई सिस्टम तैयार किया गया है कि डॉक्टर से लेकर के और मरीज तक, दवाई से लेकर के और जो दूसरी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है मिशन वात्सल्य के लिए। आंगनवाड़ी मिशन शक्ति आंगनवाड़ी केंद्रों को ताकतवर बनाया जाएगा और पोषण आहार और अधिक पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जा रही, जिससे आंगनवाड़ी जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं वो अधिक स्वस्थ और रहें, इसके लिए कार्यक्रम लिया गया है। इस तरह से मुख्य मुख्य जो बातें हैं, बाकी हम सब हमने आपको इसमें अपना दिया है। और आगे इस कोरोना महामारी के बावजूद भी जिस तरह से अभी हम संक्रमण की स्थिति से गुजर रहे हैं और जो हमारा आर्थिक बजट का जो जीडीपी का लक्ष्य है, जो अनुमान है, वो 9.2% का है और ये इसलिए हासिल हो पाया है कि कोरोना का टीकाकरण जिस ढंग से, जिस तेज़ी से किया गया है और 80% टीके, दो टीके लग चुके हैं, 100% के लगभग सिंगल डोज हो चुका है और इतना व्यापक ये ओमिक्रॉन का संक्रमण आया, लेकिन उसका जो असर था वो बहुत क्षीण था, उसका टीकाकरण एक बहुत बड़ा कारण था। और इसलिए पूरे देश ने, पूरी दुनिया में जो आकलन हुआ है कोविड का प्रबंधन का और आर्थिक प्रबंधन का, उसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ माना, भारतीय प्रबंधन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसीलिए मोदी जी को जो रेटिंग आई है वो 72%, किसी में 70% आई है, वो आकलन मुख्य रूप से कोविड का और आर्थिक प्रबंधन का था। यही आपसे विचार साझा करने थे, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।